और आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे, आप भी कृपया यहाँ मंच में आने का कष्ट करें। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब कोई भी वर्ष वर्षों का पुण्य उपदय होता है, तब आपके ऐसी धरा में आपके ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। आपके बीच माननीय कमलनाथ जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, आप उनका हृदय से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथियों, जानते हैं आगत स्वागत अतिथि हमारे, मातृभूमि के प्यारे, उनको अर्पित करता हूं मैं आसमान के तारे। आसमान जिसके साथ में आज हृदय मंदिर की ध्येय देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर श्रद्धा की प्याली में विश्वास की बात का वालते हुए माँ माँ नर्मदा की नगरी में माननीय कमलनाथ जी का माननीय पूर्व मंत्री हमारे ना हमारे नेता आदरणीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और इसके साथ आप जानते हैं कि जब कोई आता है तो हमारे बीच उनका स्वागत होता है। स्वागत की उस कड़ी में मैं पहले सर्वप्रथम कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए माननीय अपने लाडले नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सामान्य कमलनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो मैं दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र चिन्ह पर माल्यार्पण अर्पित करें। आदरणीय कमलनाथ जी, उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय कपूर जी साहब भी पधारे हैं, आदरणीय प्रदेश के सेवा दल अध्यक्ष पधारे हैं। इन सब से मैं आग्रह करूंगा हमारे जो भी दोनों विधायक हैं माननीय ओंकार मरकाम सिंह जी, सबको ही जाकर के माननीय अपने नेता का नेता के साथ दीप प्रज्वलित करे। आदरणीय इसके बाद हमारे बीच चूंकि हमारे माननीय हमारे आपने नेता का इसके पास समय कम है, इसलिए माल्यार्पण तो हमारा मनता की सबको करवाए, लेकिन जो बड़ा माला है उसमें हम कुल लोगों के नाम दिए गए, उनका नाम बोलेंगे और जो हमारे मोर्चा संगठन के अध्यक्ष है वो सभी मिलकर एक साथ माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण का कार्यक्रम यहीं से खत्म हो जाएगा। आदरणीय हमारे मोर्चा संगठन आदरणीय माल्यार्पण लिस्ट कहाँ है, चौहान साहब बीपीएस चौहान साहब वो सिंगल आप आ जाइए ऊपर अभी। आपके द्वारा माननीय कमलनाथ जी द्वारा आपको इस अपने कांग्रेस परिवार में आप जो 750 लोगों के साथ में गो सेवक के साथ आए हैं आपका स्वागत यहाँ किया जाएगा। माननीय चौहान साहब जल्दी आ जाए, वो कहा लिस्ट कहाँ है वाली माल्यार्पण वाली नहीं साहब बोले मेरी बात नहीं। चौहान साहब जल्दी आ जाएं और इसके बाद मोर्चा संगठन के हमारे सर जाइए आप माला और हमारे जो माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी के साथ में हमारे जो माल्यार्पण में माननीय विधायक आदरणीय श्री फुंदेलाल मार्को साहब, आदरणीय श्री सुनील सराब जी संगठन मंत्री, जिला कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष और मोर्चा संगठन के लोग और आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय प्रीति सिंह जी माल्यार्पण से माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करें, वंदन करें। हमारे बीच मंच में उपस्थित सभी जनसंघ हमारे महानुभाव, मैं सबका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि नाम लेने में बहुत समय लगेगा, इसलिए सब जो हमारे बंदनी हैं सबका मैं आगत स्वागत अतिथि हमारे सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। और इस बार सियाराम में जब सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुपानी सबका मैं मंच में स्वागत करता हूं। सामने हमारे बीच दूर दराज से आए हुए सम्मानी हमारी मातृशक्तियां जो सामने बैठी हैं, आदरणीय हमारे जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं चाहे मंडलम सेक्टरम ब्लॉक जिला के सभी पदाधिकारियों सबका मैं स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। सभी मोर्चा संगठन चाहे वो एनएसयूआई हो, युवक कांग्रेस हो, महिला हो, सब जो भी आए हैं, जो भी दूर दराज से आए हैं सबका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। एक साथ साथियों सबको ही आप जो भी माल्यार्पण कर चुके हैं या कि पीछे चले जाए या कि मंच के नीचे चले जाइए आप लोग। अब मैं अगली कड़ी में अपने बीच हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष
श्री रमेश सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना स्वागत भाषण करें। धन्यवाद प्रभारी महोदय। अनूपपुर के उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री कमलनाथ जी, साथ में उनके उपस्थित अनूपपुर जिला के विधानसभा प्रभारी आदरणीय श्री संजय कपूर जी, यहाँ पर विराजमान डिंडोरी के विधायक आदरणीय फुंदेल मरकाम जी, फुंदेलाल सिंह जी मार्को जी, कोतमा विधायक आदरणीय श्री सराफ जी, यहाँ पर सभी आदरणीय सम्मानित मंच और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अनूपपुर जिले से दूर दूर से इस भारी गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हमारी प्राणों से प्यारी जनता, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हमें बड़ा हर्ष है कि आज हमारे बीच में हमारे नेता हमारे मुखिया यहाँ पधारे हुए हैं और हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतना है और इस चुनाव में किस तरीके से हमारी माताएं बहनें हमारी बच्चियां आगे आकर के चुनाव में भाग ले सकती हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगी, इस बारे में वो प्रकाश डालेंगे। और सबसे सबसे जरूरी कि यहाँ पर हम बहुत ही उत्साहित हैं कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे, सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, पूरे जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपकी तरफ से भी पूरी जनता को स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। अब अगली कड़ी में मैं अपने बीच उपस्थित कोतमा विधायक सम्माननीय श्री सुनील सराफ जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और विचार रखें। आदरणीय सराफ साहब, बोलूं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस अनूपपुर जिले में ओंकार जी, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ा उसके बाद बोल मिलना जुलना कर लीजिएगा जी भाई। आज इस जिले में, इस जिले के लोगों को एक विश्वास दिलाने, एक भरोसा दिलाने, जो अत्याचार, भय, भूख, भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है उससे निजात दिलाने के लिए एक विश्वास दिलाने आए हम सब के नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय कमलनाथ जी, यहां पर AICC के सचिव हमारे प्रभारी आदरणीय संजय कपूर जी, आदरणीय ओंकार मरकाम जी, आदरणीय फुंदेलाल सिंह जी, आदरणीय रमेश सिंह जी, मेरे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय प्रीति रमेश सिंह जी, कोतमा से आए कोतमा नगर पालिका के अध्यक्ष भाई अजय सराफ जी, भाभी वैशाली ताम्रकार जी, हमारे तीनों ही ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय मनोज सोनी जी, आदरणीय हरशंकर दुबे जी, आदरणीय हरीश मोटवानी जी, मेरे सभी मंडलम अध्यक्ष कोतमा और पूरे जिले से आए सभी माताओं बहनों, में आप सभी के चरणों को नमन करता हूँ, सभी माताओं बहनों के चरणों को प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप लोग सब आज यहाँ, आप लोग सब हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को सुनने आए हैं, एक औपचारिकता के लिए हम बोलने खड़े हुए हैं, पर मैं आदरणीय कमलनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में आज हमारा संगठन, जो हमेशा आप कहते हैं कि संगठन, आज आपके नेतृत्व में आपने जो मंडलम और सेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया, आज गांव गांव बूथ बूथ में कांग्रेस का युवा खड़ा है, कांग्रेस का संगठन खड़ा है। अब वो बात नहीं रही जो कहते थे कि भाजपा के संगठन,
आज हमारा संगठन खड़ा है। आपके 15 महीने के कार्यकाल में इन माताओं बहनों को, प्रदेश के लोगों को एक जो विश्वास आपके ऊपर है, आज पूरे प्रदेश की जनता टकटकी लगा के देख रही है कि कब हमारे कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार से, भूख से, भय से हमें निजात मिलेगी। आपकी जो योजनाएं हैं उसे आप ही कहें, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने, हम सब यहाँ बैठे लोग इसके लिए जान लगा देंगे, सब आपको सुनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। आप अभी आपने अपने बीच आदरणीय कोतमा विधायक जी के विचार सुने। अब इसी कड़ी में मैं अपने बीच पुष्पराजगढ़ के हमारे सम्माननीय विधायक, जिनको सुनने के लिए हम लोग सब कोई आप लोग आए हैं क्षेत्र से, मैं सबसे उनसे आग्रह करूंगा आदरणीय विधायक फुंदेलाल मोरको जी आए और अपने विचार रखें। बोले नर्मदा मैया की। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश शासन के सम्मानित मुख्यमंत्री, पूर्व हमारे जन जन के हमारे आदरणीय प्रिय नेता माननीय श्री कमलनाथ जी को मां नर्मदा की इस पावन भूमि और जिला में हम आप सब जो कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज ये आम विशाल आम सभा में जहां हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता ये तपती धूप में जहां आप सब लोग विराजमान है, 2023 में चुनाव यहां के इस सरकार के भय भूख भ्रष्टाचार के विरोध में ये चुनाव आपका होगा। साथियों, अब यहां इस प्रदेश में हमारे बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती नफरत और बढ़ती आपका महंगाई के विरोध में चुनाव होगा और प्रदेश को सुशासन देने के लिए हम आप सब लोग कमर कस लें। साथियों, आने वाले समय में हमारे अनूपपुर जिले का इतिहास रहा है क्या, जब जब चुनाव हुआ चाहे वो तीनों विधानसभा हमारे पुष्पराजगढ़, यह अनूपपुर, यह कोतमा, हम तीन विधायक हमारे माननीय कमलनाथ जी को 2018 में दिए। हम सब लोग संकल्प करते हैं कि 2023 में जब चुनाव होगा अनूपपुर जिले से तीन विधानसभा विधायक हम आपको देंगे और मध्य प्रदेश में आप मुख्यमंत्री बने, ऐसा हम आप सबसे अनुरोध करते हैं। साथियों, जहां नारी के सम्मान में जहां हमारे बहनों को 1500 रुपए का जो कोई प्रतिबंध नहीं होगा, सभी को 1500 रुपए माननीय कमलनाथ जी का सरकार दी। आज हमारा जो बढ़ते हुए महंगाई में जहाँ गाँव में, गवैन में, खेत में, खनिहाल में जो मेरी माताएं बहने काम करती हैं, आज गैस का सिलेंडर आपका 1200 और 1300 रुपए जो मिलता है, माननीय कमलनाथ जी के सरकार जिस दिन आप बनाएंगे आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यह माननीय कमलनाथ जी का वचन है। हमारे 2018 में जो हमारे वचनबद्ध था वो वचन पत्र 2023 में हम लागू करेंगे। हमारे आदरणीय कर्मचारियों का जो हमारे पेंशन है वो पेंशन माननीय कमलनाथ जी लागू करेंगे। हमारे आदरणीय जो हमारी माता बहने जो 2018 में जो हमारा सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी ने सभी माता वृद्ध बहनों का 300 से बढ़ा करके 600 रुपए मासिक पेंशन माननीय कमलनाथ जी ने किया। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज, हमारा गौंड समाज के सम्मान में आपने गौंडी भाषा को प्राथमिक पुस्तक में आपने स्थान दिया, इसके लिए मैं आप सब जिले की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जे आपने अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, हमारी आज महंगाई जो आपका तेल है, मिट्टी का तेल 110 रुपया, आपके जिले में आपका जो है गेहूँ नहीं मिलता, आपका शक्कर नहीं मिलता, आपका गेहूँ चावल नहीं मिलता,
यदि आपका अंगूठा ना लगे आपको तो चावल भी नहीं मिलेगा। ये शिवराज सिंह चौहान का है। अब कांग्रेस के सरकार में सभी माताओं बहनों जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे उनको 35 किलो चावल मिलता था, उसमें कोई अंगूठा की जरूरत नहीं था। जब माननीय कमलनाथ जी का सरकार हमारी बनेगी सभी माताओं बहनों का ये इंगर ये फिंगर ये आईडी ये सारी चीजें बंद हो जाएंगे। हमारा पूर्वज जो हमारी सरकार चलती थी कमलनाथ जी का सरकार, जन जन का सरकार, घर घर का सरकार, माताओं बहनों का सम्मान माननीय कमलनाथ जी देंगे। इस हौसले और बुलंद के साथ 2023 के लिए सारी बातों को बुला करके हम माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसी बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अभी आपने अपने विचार रखते हमारे भावी मुख्यमंत्री जी को आपने सबसे आग्रह किया है कि आने वाले 2023-24 में हमारे नेता, हमारे लाल नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसी आशा विश्वास के साथ मैं हमारे बीच में शहडोल से पधारे, अभी तक वो बजरंग दल में रहे हैं, शहडोल के हैं, राहुल सिंह परिहार, वो हमारे बीच हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत वंदन और अनुरोध है कि वो मंच में आकर उपस्थित हों और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद हमारे बीच डिंडोरी से पधारे हम सबके साथी, हम कांग्रेस पार्टी के और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय ओंकार सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आए और अपने विचार रखें। आदरणीय ओंकार सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, देखो भाई आवाज तो तगड़ा लगाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री। देखो हम आज भी आपको मुख्यमंत्री ही मानते हैं, हमारे प्रिय नेता, जन जन के नेता, 2023 के हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मंच पर विराजमान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव प्रभारी हमारे आदरणीय संजय कपूर जी, मेरे बड़े भाई विधायक पुष्प राजगढ़, आदरणीय फुंदेलाल मरकाम जी, विधायक हमारे साथी आदरणीय सुनील सराफ जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई रमेश सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा उनके धर्मपत्नी, आदरणीय हमारे मंच में विराजमान सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष जी, युवक कांग्रेस से नशुआई महिला कांग्रेस, हमारे किसान कांग्रेस, हमारे तमाम मोर्चा संगठन के पदाधिकारीगण और गांव-गांव से आए हुए हमारे कार्यकर्ता साथियों और हमारे मीडिया के साथियों और सम्मानित जन साथियों, आज आपके बीच में अनूपपुर के पवित्र धरती पर मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उपस्थित हुए हैं। मैं कमलनाथ जी के विकास की वो नजरिया बताना चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी विकास के बुनियाद में पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश को श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्पित है, नौजवानों को रोजगार देने के लिए संकल्पित है, वहीं पर हमारी महिलाओं की सम्मान के लिए खजाना खोलने के लिए संकल्पित है, हमारे किसान भाइयों के उत्तरोत्तर विकास के लिए निरंतर खजाना खोलने के लिए संकल्पित है, हमारे अतिथि विद्वान, आशा कार्यकर्ता, हमारे कर्मचारी जिनको ओपीएस की जरूरत है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे रसोइया, सभी कर्मचारियों के न्याय के लिए संकल्पित है। मध्य प्रदेश के विकास की बुनियाद को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाने के लिए माननीय कमलनाथ जी संकल्पित है और आप हम सब भाग्यशाली हैं कि आज अनूपपुर के पवित्र धरती पर माननीय कमलनाथ जी आपके बीच में संवाद के साथ एक विकास की सच्चाई को बात करने के लिए संकल्पित के साथ आज हमारे बीच में वचन देने के लिए आए हैं। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ये अनूपपुर की वो धरती है जहाँ पर एक नेता को कांग्रेस ने सींच के बड़ा किया और बड़ा होने के बाद
आज उन्होंने दल बदल करके हमारे अनूपपुर का जिले का एक गरीब आदमी का अपमान किया है। आज वो खाद्य मंत्री बन करके सबसे पहले आदिवासी जिले में गेहूं की सप्लाई बंद कर दिया। ये मंत्री कहता है कि आदिवासी लोग गेहूं नहीं खाते। वाह मंत्री जी, आप ही बस होशियार हो, बाकी लोग गेहूं ना खाएं, आप बस गेहूं खाओ। और आप कहते थे अनूपपुर के विकास के लिए भाजपा में आपने शरण लिया है। कौन सा विकास कर दिया है आपने? कहां का आपने स्कूल बना दिया? किस नौजवान को आपने रोजगार दे दिया? किस महिला के साथ आपने न्याय किया है? कहां पर आपने विकास के लिए पैसा लाया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। जब कमलनाथ की सरकार थी, आपने कहा था मैंने आपके गांव में 2 करोड़ रुपए हॉस्टल बिल्डिंग के लिए दिया था, आपसे मैंने उद्घाटन कराया था। आज आप बता दे, शिवराज की सरकार में अनूपपुर के लिए आपने कौन सा पैसा दिया है? सदन के अंदर फुंदेलाल भैया लड़ते हैं, सुनील सराफ लड़ते हैं, पर उसके बात नहीं सुनी जाती। माननीय कमलनाथ जी जनता के हित में बोलते हैं, बात वहां पर शिवराज सिंह जी नहीं सुनते। पर आप सब लोग चिंता मत करिए, 6 महीने के बाद फिर कमलनाथ जी आएंगे, तब यहां पर सच्चाई की लोकार्पण होगा, विकास की बुनियाद होगा। और विकास की बुनियाद पर मध्य प्रदेश की धरती पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बन रही है और 2024 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन रहे हैं। देश में कांग्रेस की सरकार होगी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कमलनाथ जी पे पूरा विश्वास है कि 2024 में जब केंद्र में हमारी सरकार होगी, सबसे ज्यादा रुपया मध्य प्रदेश को मिलेगा। जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, सड़कों की जाल बिछा दिए थे, कोई भेदभाव नहीं किए थे। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी आंकड़े लेकर के आइए, जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे तो सबसे ज्यादा रुपया मध्य प्रदेश को मिला था। मेरे नौजवान साथियों, मेरे आदिवासी भाइयों, आप हमको समझना है। जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के बेबुनियाद बात को रोकने का काम किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की भी जनता तैयार है 230 में से 200 पार करके कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार बन रही है, ये विश्वास दिलाता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद आदरणीय मनकान साहब। अब आप जिनको घंटों से सुनने के लिए ललायत थे, जिनके लिए आप हजारों हजारों किलोमीटर से आए थे, ऐसी शख्सियत बुलाने के पहले मैं कहूंगा कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे इस तालाब का पानी बदल दो यारो, अब ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। अब इसे कमल, इसके साथ मैं आवाज दूंगा आदरणीय अपने नेता, आदरणीय हम सबके नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया तथा भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को, आए और अपने उद्गार रखे। मेरे ये चल नहीं रहा भाई, वॉल्यूम करो। हेलो मेरे साथ ये वॉल्यूम नहीं है इसमें। हेलो, मेरे साथ बोलिए, नर्मदा मैया की। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय कपूर जी, हमारे प्रभारी राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे अध्यक्ष रमेश सिंह जी, हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार मरकाम जी, फुंदेलाल मार्को जी, आपके विधायक सुनील सर्राफ जी, श्रीमती प्रीति रमेश सिंह जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी, योगेश यादव जी, गजानंद तिवारी जी, मनोज मिश्रा जी, सभी यहाँ कांग्रेस के हमारे साथीगण, आदरणीय बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारी माता और बहनों, सबसे पहले मैं विंध की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। भगवान
बिरसा मुंडा को मैं प्रणाम करता हूँ, रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, राजा दलपत शाह को प्रणाम करता हूँ। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे अनूपपुर आके खुशी हुई, पर साथ साथ दुख भी हुआ। देखते हुए ये रुका हुआ विकास अनूपपुर का, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है ना, 18 साल रही है। 18 साल में ना अमरकंटक की चिंता, ना मां नर्मदा की चिंता, ना रोड की चिंता। मैं देख रहा था कि कितने सालों से ये फ्लाईओवर रुका हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ना कोयले खदानों की चिंता, ना हमारे बेरोजगार नौजवानों की चिंता। ये प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, आज हमारा प्रदेश कहां घसीटा जा रहा है। इतने साल भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी घोषणाएं करते रहे, आज हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा अनूपपुर जिला धनी जिला है, पर इस धन का उपयोग अनूपपुर में कितना होता है मैं पूछना चाहता हूं। हमारे अनूपपुर का धन का कितना उपयोग होता है? ये अनूपपुर तो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों को सब्सिडाइज करता है, उस सब्सिडी देता है, और यहां का भटकता हुआ नौजवान, यहां की विभिन्न समस्या, अस्पताल की देखिए, चिकित्सा की देखिए, स्कूल की देखिए, ये आज सब चीजें आप सबके सामने हैं। आज 5 महीनों में चुनाव है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, 5 महीनों में चुनाव है। 2018 के दिसंबर में हमने वोट से सरकार बनाई थी, वोटों से बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में नोटों से सरकार बनाई, कैसे सौदा कर लिया और सरकार नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाना चाहता था। मैं कुर्सी के लिए गैर नैतिक समझौता नहीं करना चाहता था, पर 15 महीने में कौन सी चुनौती मेरे पास नहीं थी। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था, एक ऐसा प्रदेश जो हर नजरिए से बर्बाद था, आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था, बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी, हमने शुरुआत करी। 15 महीनों में की जो हमारी सरकार थी, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। और शिवराज सिंह जी पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया 15 महीनों में। शिवराज जी आ जाइए, किसी भी मंच पर आ जाइए, उधर खड़े हो जाइए, मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। आप 18 साल का हिसाब दीजिए, मैं 15 महीनों का हिसाब देता हूं। हमने अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने का प्रयास किया, किसानों को भटकना ना पड़ा खाद के लिए, बीज के लिए। हमने कर्जा माफ की शुरुआत करी और पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ पूरे प्रदेश में, पहले किश्त में। हमारे अनूपपुर में लगभग 12 हजार किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये एक शुरुआत थी कि एक मजबूती आए।
हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाना चाहता था ताकि यहां निवेश आए। कितने सारे खदान खुल सकते हैं यहां, पर कोई निवेश लगाता नहीं है। क्यों? मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। जिसको अपना सामान बेचना है तमिलनाडु में, केरल में, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। कौन लगाएगा निवेश? हमारा नौजवान, आज का नौजवान, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज का भटकता हुआ ये नौजवान जो है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान, माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, और अगर इस नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा, यही नौजवान जो निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा? मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान क्या नहीं, मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया, क्योंकि लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हुए और निवेश आए। कौन सी गलती मैंने करी? कौन सा पाप मैंने किया? 1000 गौशालाएं अगर मैंने बनवाई जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बनी थी, कौन सा पाप मैंने किया? अगर मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती मैंने करी? अगर किसानों का कर्जा माफ किया, अगर हमने पेंशन बढ़ाया, सामूहिक विवाह के लिए पैसे दिए, कौन सा पाप मैंने किया? ये आप सबके सामने है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि आप जनता को हिसाब दें, जनता को हिसाब दें कि आपने क्या दिया। आज पंचायती सिस्टम हमारा आपने लूट लिया है, आपने दिया क्या? मैं शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, क्या दिया? शिवराज सिंह जी, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। आपने महंगाई दी शिवराज जी, आपने बेरोजगारी दी शिवराज जी, आपने भ्रष्टाचार दिया शिवराज जी, आपने कोरोना में मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, आपने माफिया राज दिया, और बताऊं शिवराज जी ने घर घर में शराब दी। ये शिवराज जी की उपलब्धि थी। ये सब आज आपके सामने है। इनको आज हमारे नौजवान, भटकते हुए नौजवान की पुकार नहीं सुनाई देती। इनको आज ये किसान जो न्याय के लिए घूम रहा है, उनको दिखता नहीं, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। ये आप सबके सामने है। आज का नौजवान बिना काम के, आपका किसान बिना दाम के, शिवराज जी आप किस काम के? ये मैं शिवराज जी से पूछता हूं। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। और 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रदेश को कहां घसीटा है, कहां घसीटा है हमारे प्रदेश को। यहां हमारा अनूपपुर इतना धनी जिला, जहां देखो वहां पुकार है, वहां पुकार है विकास की। आज मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि 5 महीने में चुनाव है, हमारे पंचायत के चुनाव भी होते हैं, जनपद के चुनाव भी होते हैं, जिला परिषद के चुनाव भी होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये हमारे संविधान का त्योहार है। हर चुनाव का अपना मायने होता है, हर चुनाव का अपना मायने होता है। और 5 महीने बाद जो चुनाव है, ऐसा चुनाव अभी तक नहीं हुआ। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, ये संस्कृति हमारी देश की है, ये संस्कृति कांग्रेस की है, ये खतरे में है। हमारे विभिन्न धर्म अपने देश के, हमारे विभिन्न जातियां, हमारे विभिन्न भाषाएं, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। हमारे विभिन्न देवी देवताएं,
हमारे विभिन्न त्योहार। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है पर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारे संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे आदिवासी समाज में, हमारे आदिवासी समाज में कोई कोल है, कोई कोरकू है, कोई गोंड है, सब में भाईचारा है। आपके गांव में कितने जातियों के लोग हैं पर भाईचारा है। आज हम क्या देख रहे हैं मणिपुर में, आपने अखबार में पढ़ा कैसे आदिवासी गैर आदिवासियों का झगड़ा कराया, कितनों की मौत हुई मणिपुर में। आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है, आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू करा दिया। कहां जा रहे हैं हम? आपको इस चुनाव में तय करना है कि हम कैसा प्रदेश और कैसा देश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। पर अगर यह संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये चुनाव में ये फैसले होने हैं। विकास का मुद्दा तो है, किसी उम्मीदवार की तरफ मत देखिएगा, पार्टी की तरफ मत देखिएगा, यही मैं आपसे कहने आया हूं। आप तो तस्वीर रख लीजिए सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ देंगे तो आप अनूपपुर के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। इस चुनाव का मुद्दा हमारे संस्कृति को बचाने का है। आप इस संस्कृति के रक्षक हैं, आप हमारे संविधान के रक्षक हैं, और यही चुनौतियां हैं हमारे सामने कि आज हम सब मिलकर आगे आने वाले समय के भविष्य को सुरक्षित रखें। यही मेरी आपसे विनती है। पांच महीने पर किस पटरी पर चलेगा अपना मध्य प्रदेश, ये आपको तय करना है। कौन से पटरी पर हम चलना चाहते हैं? बांटने की पटरी, घोटालों की? 18 सालों में इन्होंने 1800 घोटाले किए, कहां घोटाला नहीं हुआ? 3,30,00,00,000 रुपए इन्होंने कर्जा लिया है। इस कर्जे को पटाने के लिए जो ब्याज होगा उसके लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। इस कर्जे का किया क्या? 3,30,000,00,00,000 का किया क्या? क्या हमारे नौजवानों को लाभ हुआ? क्या हमारे अनूपपुर को लाभ हुआ? क्या हमारे अतिथि शिक्षकों को लाभ हुआ? क्या हमारे पुराने पेंशन वाले जो लड़ रहे हैं उनका लाभ हुआ? क्या हमारा आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को लाभ हुआ? क्या हमारे आउटसोर्स वालों को लाभ हुआ? मैं बताता हूं किसको लाभ हुआ। 3,30,00,00,000 रुपए का कर्जा लिया और पिछले 13-14 महीनों में बड़े बड़े ठेके दिए। समझ गए ना इसका मतलब? ठेके देने का मतलब बड़े बड़े ठेके दिए, जिस ठेके से अपनी कमीशन वसूली, अपनी जेब भरी, इसीलिए ये कर्जा लिया गया। कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं संक्षेप में आपसे यही कहता हूं कि समय आ गया है। आप इस प्रदेश के रक्षक हैं। शिवराज सिंह जी को अभी याद आ रही है, हमारी बहनों की योजना लाए, उनको अब याद आ रही है किसान, अब उनको याद आ रहे हैं हमारे कर्मचारी। ये इसीलिए याद आ रहे हैं कि इनको अपना पाप धोना है, जो उन्होंने पाप किया है बेरोजगारों के साथ, जो उन्होंने पाप किया है किसानों के साथ, जो उन्होंने पाप किया है मध्य प्रदेश के हर वर्ग के साथ। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। हमारा किसान होए, नौजवान होए, छोटा व्यापारी होए, ये तस्वीर आप सबके सामने है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भविष्य के रक्षक बनिए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखिए। और अगर आपने ये सच्चाई पहचान ली, तभी हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। और अनूपपुर का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमल लाल।
जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, मयंक जय जय कमलनाथ। अध्यक्ष महामाला स्वागत करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मयंक त्रिपाठी जी और उनके साथियों सहित महामाला से स्वागत करें। जाओ जाओ जाना, इसको दे, इसको दे, ले फोटो खींचना दीदी। और आप कौन?